देखिए भाई, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो यहाँ आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो बोर्ड के एग्जाम हमारे हैं वो दो पार्ट्स में इस बार डिवाइड हो गए हैं, टर्म वन और टर्म टू। भाई दो बार एग्जाम होने वाले हैं। पहला जो टर्म होगा वो हमारा नवंबर दिसंबर में होगा और जो दूसरा टर्म होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। आइए देखते हैं जो फर्स्ट टर्म होगा वो कैसा होगा। जो फर्स्ट टर्म का इन्होंने बात किया वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा हमारा और इसकी टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो डेढ़ घंटे, भाई आधे 90 मिनट की होगी, डेढ़ घंटे का होगा। और जो थर्ड पार्ट है ये जो सिलेबस होने वाले हैं वो कितना होगा, 50% होगा ऑफ इंटायर सिलेबस, भाई आपके जितने सिलेबस हैं उसका आधा होगा। हालांकि इन्होंने वो कह रहे हैं इस बार भी थोड़ा बहुत सिलेबस आपका रिड्यूस होगा। अब देखिए वो कितना कब तक रिड्यूस करके नोटिफिकेशन निकालते हैं, लेकिन वो सिलेबस जो होगा आपका अभी हम मान के चलते हैं कि जितना सिलेबस उसका आधा आपको अभी तैयार करना है, आपको नवंबर में अगर है तो अक्टूबर तक आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है। और जो सेकंड टर्म का एग्जामिनेशन होंगे वो एंड में होंगे, मार्च अप्रैल में, जैसे कि होते थे बोर्ड के एग्जाम्स। वो कब और वो कैसा होगा, वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब शॉर्ट टाइप आंसर होंगे, लॉन्ग टाइप आंसर होंगे और आपको लिखने वाले होंगे, है ना। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बोल रहे हैं वो कितना होंगे, वो दो घंटे का होगा, मतलब 120 मिनट का। और ये कितना सिलेबस होगा, जो बचे हुए रिमेनिंग 50% है वो इसका, मतलब पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से होता। तो ये जो होगा इस पर आपको कॉपी मिलेगी, आपको उस पर लिखना होगा। और जो ऑब्जेक्टिव होगा इसके लिए एक OMR शीट आती है, OMR शीट मिलेगी, उस पर सिर्फ आपको ऑप्शन फिल करने होंगे। तो ये बेहतरीन है। और